आलस्य हूँ और भगवान शिव शिव जी को समर्पित हूँ। और ये बचपन से ये थॉट ही मेरे मन में था। जब अंकिता जी ने ये लिरिक्स मुझे भेजी तो मैं चौंक गई कि उसने मेरी मन की बात कैसे समझ ली। और ये मेरी खुशनसीबी है कि अंकिता जी की ये कविता मैं गाई हूँ कि ये जीवन है एक नैया, ऊपर वाले ही कवैया। और इसको राजीव जी ने इतना सुंदर, जो माछी जो फीलिंग, जो हम लोग गंगा किनारे बड़े हुए हैं, जो वो माछी का जो फील उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से दिया, उन्होंने गाया भी बहुत सुंदर। और कि और वो ही सब कुछ है। और ये कठिन काल जो है, हम लोग इस समय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, इस समय और भी जो नास्तिक है वो भी समझ लेंगे कि हम उनके ही हाथों के, हम लोग तो बचपन से ही समझते थे, लेकिन इस समय वो भी समझेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। रंगीता जी ने एकदम सही समय पर ये गाना लोगों तक पहुंचा रही है कि ये जीवन है एक नैया, ऊपर वाला ही खवैया, उसके हाथों पे दे सब छोड़ पार लगाएगा। अंकिता जी, तो आपने लिरिक्स लिखा है, जो जानना चाहूंगा कोई ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ आपको, मतलब ऑब्जर्व क्या है जो आपने इस तरह का डेप्थ वाइज आपने लिरिक्स लिखा है? देखिए, मैं काशी से हूँ। काशी विश्व के अध्यात्म की केंद्र नगरी है। काशी के कण कण में अध्यात्म व्याप्त है और अध्यात्म काशी को कहते हैं मोक्ष की नगरी, मोह माया से दूर। तो ये जो लिरिक्स है, ये जो गीत है, इसमें जीवन का दर्शन है। इट्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ थ्रू आउट। और ये जो आप अनुभव की बात करें, ये सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं आप सबके जीवन का अनुभव है। क्योंकि जब जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तब ये बात और गहराई से समझ में आती है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। तो हम क्यों कोई परेशानी भी मोल लेते हैं, उसके हाथों में सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि यही परिणति है हमारी। तो ये जीवन जो है हम सबका एक नाव के जैसे है और एक ट्रैवलिंग है ऑफ सोल। हम सब सोल्स हैं, हम सबकी ट्रैवलिंग चल रही है ना। तो इस ट्रैवलिंग में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ में, तूफान आते हैं, कभी साहिर मिलते हैं, तो वो सब कुछ जो है अगर हम ईश्वर के हाथ में छोड़ करके उस ट्रैवलिंग को इंजॉय करें सरेंडर भाव से, समर्पण के भाव से, तो मुझे लगता है हम अपनी जीवन को बहुत खूबसूरती से जिएंगे और इंजॉय करेंगे उस पूरी जर्नी। राजीव जी, आपसे चाहूँगा कि कितना सोलफुल आपको ये म्यूजिक बनाना और शोमा जी का एसोसिएशन और अंकिता जी का लिरिक्स, उसके अंदर बताइए कि किस तरह से आपने कंपोजिट किया। ये पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अंकिता जी का, जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत गाना कंपोज करने का मौका दिया। और उससे बेहतर सोने पर सुहागा ये हुआ, एक ऐसी आवाज़ जो इस गाने के लिए बिल्कुल बनी ही। हम गाना बनाते नहीं हैं, गाना बनता है। हम जब बनाते हैं तो कुछ और बनता है, लेकिन जब वो वहाँ से देता है तो फिर ऐसी चीज़ें बनती हैं जहाँ से आप कनेक्ट होते हैं अपने उससे ऊपर वाले। तो मुझे बहुत, मैं ये कहूँगा कि मैंने कुछ ना करते हुए एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की, कैसे लगा कि अरे ये कब कंपोज हुआ, कब लिखा गया, कब रिकॉर्ड हुआ। राकेश वालसिया जी ने लाजवाब इसमें धूप बजाई है। सुमा जी की आवाज़ जब मैंने माइक पर सुनी तो ऐसे लगा कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं। एक कोशिश रहती है कि हम जब भी पहुँचें किसी के पास तो दिमाग से ना पहुँचें, दिल से ही पहुँचें। अंकिता, लिरिक्स राइटर, तो जानना चाहूँगा आज के दौर में जिस तरह गाने आप बेसिकली अगर देखेंगे तो ज़्यादातर गाने मतलब उतनी